अब तक जो हुआ वे हुआ, अब मेरी बात कान खोल के सुन लो सब लोग। कल सुबह तक ये लड़की जिंदा नहीं बचनी चाहिए। रुका ख्वाबों का कारवा और फिर चल दिए तुम कहां हम कहां। दो पल की थी ये दिलों की दास्तां और फिर चल दिए तुम कहां हम कहां। और फिर चल दिए तुम कहां हम कहां। काश मरने से पहले मैं एक बार सुन पाती कि उनके दिल में मेरे लिए क्या है। वो एक खुशी मिल जाती तो मरने का गम नहीं होता। दिल की बात जीजू को नहीं बताएगी, वो नहीं मानेंगे, वो नहीं समझेंगे। तुझे प्लीज अपने दिल की बात बतानी होगी दी। ये आपके लिए। क्या है इसमें? खुद पढ़ लीजिए, पता चल जाएगा। अभी मेरे साथ चलो। नहीं, मैं ऐसे हार नहीं मान सकती। मुझे जानना है उनके दिल में मेरे लिए क्या है, और अगर वही फीलिंग्स हैं जो मेरे दिल में है तो मैं उन्हें छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। मुझे यहाँ से निकलना होगा, मुझे उनके पास जाना होगा। लगता है इसको होश आ गया। देख, चल देखते हैं। चलो। क्या मैडम, सब ठीक है? यार मुझे लगता है इसे बहुत जोर से भूख लगी है, बेचारी को कुछ खाने के लिए दे देते हैं ना। देख, इंसान खाना क्यों खाता है? जीने के लिए। लेकिन ये तो मरने वाली है, वे खाना क्यों वेस्ट करें? सही कह रहा भाई, वैसे भी इसके पास कुछ ही टाइम बचा है। तो अभी इसके पास जितना समय ना, इसको अपने परिवार को याद कर लेने दे भगवान को याद। तू चल, चाय भी खाते अपन। चल भाई।
झूम बराबर झूम 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 झूम। देख यार बटुआ तो यही भूल गए ले। ये देखे फिर सो गई। चल दादी, ऐसे करेंगी तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी दादी। और आप जानती हैं कि भाई और मैं आपको इस हालत में नहीं देख सकते ना। अगर प्रज्ञा भाभी यहाँ पर होती तो वो आपको रोते हुए नहीं देख पाती ना, तो उनके लिए ही चुप हो जाइए। और आप सब लोग, अब इस घर में कोई नहीं रोएगा। सब लोग जब तक पॉजिटिव नहीं रहेंगे तब तक भाभी इस घर में वापस कैसे आएंगी। राम सिंह काका, राम सिंह काका सबके लिए चाय लेकर आई। अरे अभी तो सबको संभाल रही है, लेकिन जब वो कॉर्पोरेटर यहाँ आएगा तो वो खुद को कैसे संभालेगी। ओ गॉड जी, प्लीज अब आप भी संभाल लीजिए ना। कुछ नहीं होगा प्रज्ञा जी को। चलो को हमारा प्रणाम। क्यों आए हो तुम यहाँ? चले जाओ यहाँ से। शांत हो जाओ बुलबुल, मैं यहाँ कोई तमाशा नहीं करने आया, मैं तो आप लोगों की मदद करने आया हूँ। और घर आए मेहमान की तो इज्जत की जाती है, और हमें तो बुलाया गया था, हम खुद से नहीं आए। बुलाया गया जी? अब मैंने बुलाया है इन्हें। ऐसे मत देखिए मुझे, सॉरी, लेकिन मुझे ना इन्हें बुलाना पड़ा यहाँ पर। वो दादी, सब लोग इतने परेशान थे, मैं आप लोगों की परेशानी देख नहीं सकती थी, तो मैंने सोचा इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन तो निकालना होगा, तो क्यों ना किसी ऐसे इंसान की मदद ली जाए जो प्रज्ञा को ढूंढने में हमारी मदद कर सके। तो इनके हाथ में तो पूरी मुंबई की पावर है, तो मैंने सोचा ये हमारी मदद कर देंगे तो प्रज्ञा को जल्दी ढूंढ पाएंगे हम लोग। और बुलबुल, आप लोग तो एक दूसरे को अच्छे से जानते हो ना, तो फिर गुस्सा क्यों कर रहे हो? प्रज्ञा के लिए शांत हो जाओ जरा। देखिए देखिए आंटी जी, दादी जी, हम आपसे सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि जैसे हमें पता चला कि प्रज्ञा जी को किडनैप कर लिया गया है, हमें बहुत दुख हुआ। हम समझ सकते हैं आप लोगों पे क्या बीत रही होगी, इसीलिए फौरन हम यहाँ आ गए, अपना सारा इंपॉर्टेंट काम छोड़ के। देखिए हम वादा करते हैं कि जैसे हम आ गए हैं प्रज्ञा जी भी सही सलामत वापस आ जाएगी। देखो तुम घबराओ मत, हम तुम्हारी दीदी को ढूंढ निकालेंगे कैसे भी करके, ये मेरा वादा है तुमसे। मैंने कहा था तुम्हें मुझसे शादी कर लो, मुझसे शादी कर लेती ना तो ये प्रॉब्लम नहीं होती। आज कोई भी ऐरा गहरा तुम्हारे घर की तरफ आंख उठा के नहीं देख सकता था, समझी? लेकिन नहीं, तुमने मेरी एक भी नहीं मानी। अब भुक दो रानी। बोला था ना ये गेम अपना ही है। मेरी दी की चिंता करने की जरूरत नहीं है मिस्टर नील ठाकुर, तुम अपनी चिंता करो, क्योंकि जब यहाँ पे जीजू और पूरब आएंगे ना, तब तुम्हें यहाँ कोई बचाने के लिए नहीं आएगा।
देख रहे हैं आप लोग क्या तमाशा लगा रखा है बुलबुल। अरे भलाई का तो कोई जमाना ही नहीं रहा। मैं आप लोगों की मदद करना चाहता हूं और ये मुझे मुझे सुनाई जा रही। पता नहीं प्रज्ञा जी किस हाल में होंगी। मुझे उन पर दया आ रही और इससे मुझ पर गुस्सा। दादी जी आप ही समझाइए ना बुलबुल को। दादी क्या आप नहीं चाहती कि प्रज्ञा जी वापस आ जाए? चाहती है ना बुलबुल? बुलबुल मेरी बात समझो, ये मैं जो भी कर रहा हूँ तुम्हारे प्यार के लिए कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। तुम्हारे घर वालों को तकलीफ होती है तो तुम्हें तकलीफ होती है, तुम्हें तकलीफ होती है तो मुझे तकलीफ होती है, और मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता बुलबुल। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर जाऊंगा, किसी की जान भी लेनी पड़ी ना तो ले लूंगा। तुम चाहे मुझसे मदद मांगो ना मांगो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम सिर्फ इतना बताओ कि तुमने किसी पुलिस वाले को इन्फॉर्म किया है, उन किडनैपर्स के बारे में कुछ भी पता चला है, कोई भी सबूत, कोई भी सुराग बुलबुल प्लीज मुझे बताओ, सब कुछ बता दो। प्लीज मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो बुलबुल। ओए ऑपरेटर, मैं सिर्फ मदद करने आया हूँ तुम लोगों की। मुझे बहुत टेंशन हो गई जब से मुझे पता चला है कि तूने उसका हाथ पकड़ा कैसे। देखो तुम बगल, अरे भाग जल्दी महिला। फोन बज रहा जरा। अरे यार गेम के टाइम पे आया भाई, आया दो मिनट में आया। हेलो देख मुन्ना, यार ये लड़की को अपन लोग नहीं मार सकते। अपन ने कभी खून किया नहीं है यार, इसीलिए मैंने एक दोस्त को बुलाया, वो खून करने में मास्टर है। वो आएगा, ये लड़की का खून करेगा, अपुन लोगों का टेंशन खत्म हो जाएगा भाई। तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं तुमसे पूछा तूने उसका हाथ पकड़ा कैसे। मैं सिर्फ मदद करने आया हूं, मेरी बात समझो। देखो अभी ठंडे दिमाग से काम लो, हम दोनों को मिलके तुम्हारी वाइफ को ढूंढना होगा। रियली तू हमारी मदद करेगा? तेरे मदद करने के पीछे भी ना तेरा मतलब छुपा होता है, ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। चुप, तेरे दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है ना उसे अपने दिमाग तक ही रखना, क्योंकि अगर वो बात जुबान पे आ गई ना तो मैं तेरी बोलती बंद कर दूंगा। और इस घर में वही होता है जो मैं चाहता हूं, इस घर में वही लोग आते हैं जिसे मैं बुलाता हूं, क्योंकि बिन बुलाए मेहमान और बिन मांगा एहसान, मुझे दोनों से सख्त नफरत है। और रही बात मेरी बीवी की ना, तो उसे ढूंढने के लिए मैं किसी सड़क के कुत्ते से भी पूछ लूंगा, लेकिन तुझसे नहीं। अब इससे पहले कि मैं तेरे लेवल पे गिर के तुझे समझाऊं ना, चला जा से। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप लोग मेरी मदद को ठुकरा के। ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा तुम लोगों को। मौका तो मैं तुझे दे रहा हूं ताकि तू अपने पैरों पर चल के इस घर से जा सके, वरना मैं तुझे इस तरह गायब कर दूंगा ना कि पूरी पुलिस फोर्स तुझे नहीं ढूंढ पाएगी। गलती कर रहे हो तुम अभी, क्योंकि सिर्फ मैं तुम्हारी बीवी को ढूंढ सकता हूं। तू बात तो ऐसे कर रहा है जैसे किडनैप भी तूने किया। मैं इतना बड़ा बेवकूफ नहीं हूं कि तुम्हारी बीवी को किडनैप करूं और तुम्हारी मदद करने चले आऊं। तो इतना स्मार्ट भी नहीं कि जो तू सोच रहा है ना उसे पूरा करने के लिए इस घर में आ सके। और हाँ, प्रज्ञा को मैं कैसे भी करके ढूंढ ही लूंगा, और जिन लोगों ने उसे किडनैप किया है मैं एक एक को नहीं छोड़ूंगा।
रही बात तेरी, तो मेरी मदद करने से पहले तू अपनी खुद की मदद कर, और भलाई तेरी इसी में है कि तू अभी इसी वक्त इस घर से चला जा और जाके वो काम कर जिसके लिए गवर्नमेंट ने तुझे कॉर्पोरेटर बनाया, समझा? देखो मैं कह रहा हूँ, बाद में बहुत पछताओगे अभी। I said, get out! देखो तुम गलत कर रहे हो, हाँ? मैं तुमको बता रहा हूँ, बहुत गलत। Get out! देखो अभी मैं आखिरी बार बोल रहा हूं तुम्हें, I said, get out! मैं यहां से फोन नहीं कर पाऊंगी, वापस कमरे में जाके करना होगा। समझता क्या है तू अपने आप को? हाँ, मुझसे दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी मिस्टर, अभी बहुत पछताएगा तू। एक दिन दुनिया के सामने तुझे बेइज्जत नहीं किया ना, तो मेरा नाम भी नील ठाकुर नहीं। ए, रुक! तुमसे बड़ा बेशरम आदमी मैंने आज तक कभी नहीं देखा। इतनी गालियाँ खाने के बाद, इतना मार खाने के बाद तुम्हें थोड़ी सी भी अकल नहीं आई? सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है तुम्हें? सेल्फ रिस्पेक्ट का तो पता नहीं बुलबुल, पर जिद है, जिद तुम्हें पाने की, पागलपन है, तुमसे प्यार करता हूँ, इसीलिए सब अंदर सुन रहा था। वरना, वरना क्या? क्या वरना? क्या करोगे तुम? तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे, तुम कुछ कर ही नहीं सकते हो। मुझे पाना चाहते हो ना तुम? पूरब की बराबरी करना चाहते हो ना तुम? पूरब के नाखून के बराबर भी नहीं हो, समझे? और तुमसे मैं तो क्या दुनिया की कोई भी लड़की शादी नहीं करना चाहेगी। क्यों करेगी शादी? क्या है क्या तुम में ऐसा? हाँ, क्या है बताओ? जो आदमी औरतों को इज्जत नहीं दे सकता, उनसे प्यार क्या करेगा? और मेरी नजरों में जो मर्द औरतों को इज्जत नहीं देता है ना, वो नामर्द कहलाता है। यस, नामर्द, और तुम नामर्द हो। तेरे दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है ना, उसे अपने दिमाग तक ही रखना, क्योंकि अगर वो बात जुबान पे आ गई ना, तो मैं तेरी बोलती बंद कर दूंगा। उसे ढूंढने के लिए मैं किसी सड़क के कुत्ते से भी पूछ लूंगा, लेकिन तुझसे नहीं। तुम पूरब के नाखून के बराबर भी नहीं हो, समझे? और तुमसे मैं तो क्या दुनिया की कोई भी लड़की शादी नहीं करना चाहेगी? और मेरी नजरों में जो मर्द औरतों को इज्जत नहीं देता है ना, वो नामर्द कहलाता है। ये तुमने ठीक नहीं किया बुलबुल, तुमने मेरी ही नहीं, मेरे प्यार की भी इंसल्ट की है, गाली दी है उसे। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम लोगों को, तुमने मुझे कमजोर समझा ना। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि असली मर्द क्या होता है, और इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, किसी की जान लेनी पड़े, किसी को मारना पड़े, कुछ भी कर जाऊंगा, लेकिन तुम्हें बताकर रहूंगा कि मैं हूं असली मर्द, चाहे वो सही हो, गलत हो या कुछ भी। ये मेरा तुमसे नहीं, खुद से वादा है कि मैं तुम्हें पाकर रहूंगा। लेकिन इससे पहले मुझे मेरे आदमियों को मना करना होगा कि वो प्रज्ञा की जान ना ले। लगता है मुझे ही वहां पहुंचना होगा। जल्दी से इन्हें फोन करके बता देती हूँ कि मैं यहाँ हूँ। सिग्नल क्यों नहीं है? अब तो सिग्नल ही नहीं, कहीं कहीं बाहर से फोन करना होगा, लेकिन बाहर नहीं जा सकती, वो लोग कोई और रास्ता